2000 के नोटों की बात ही निराली है। कभी इसमें कोई चिप ढूंढ लेता है तो कभी इसमें कोरोना वायरस पाया जाता है। ऐसी ही एक तस्वीर कल रात को वायरल हो रही थी जिसपे क्लेम किया जा रहा था कि कुछ तथाकथित लोग कोरोना से संक्रमित नोट सड़कों पर फेंकते जा रहे हैं, पर इसकी सच्चाई आज सामने आई जब पता चला कि दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में एक आदमी एटीएम से पैसे निकालकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसके पैसे गिर गए और उसे अपने पैसे गिरने का पता नहीं चला। वह आगे बढ़ गया। 2000 रुपए के बिखरे नोट को देखकर वहां किसी ने अफवाह फैला दी कि किसी कोरोना संक्रमित ने नोटों को फेंका है। इसके बाद वही हुआ जो हमेशा होता है, भीड़ लगनी शुरू हुई, अफवाहें फैलती गई और सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनता गया। किसी ने कॉल करके पुलिस को जानकारी दी, पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हालात देखिए कि पुलिस ने भी नोटों को नहीं छुआ, सिर्फ नोटों के ऊपर पत्थर रख दिए ताकि नोट उड़ ना जाए। पुलिस ने बढ़ती भीड़ को देखकर ये कदम उठाया कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकाला एटीएम का और गाड़ी नंबर देखा जो गाड़ी से वो व्यक्ति आया था, और उसे बुलाकर उसी से उसके नोट उठवाए ताकि कोई भी गुंजाइश ना रहे कोरोना फैलने की। तो बात वही है कि आप लोग कोई भी खबर, कोई भी अफवाह फैलाने से पहले उसे एक बार क्रॉस चेक कर लें और फेक न्यूज़ से बचे रहिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया।